दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे प्रीकास्ट गडर का काम चल रहा है। यहाँ पे देखिए, ये गडर कास्ट हो चुके हैं और इनका क्यूरिंग टाइम भी पूरा हो गया है। बहुत सारे गडर कास्ट हो चुके हैं और किस यहाँ पे ये क्यूरिंग अरेंजमेंट देखिए, बहुत ही अच्छा क्यूरिंग अरेंजमेंट किया गया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये एक स्पान के चार गडर है। इसमें आप देख रहे हैं, इसमें ये स्टील बार आउटर साइड में थोड़े छोड़ रखे हैं बाहर की साइड में। तो दोस्तों ये इसलिए छोड़ रखे हैं कि जब ये चारों गडर को ऊपर एक स्पान पे, जब पियर कैप पे इनको जब लॉन्चिंग किया जाएगा, उसके बाद इन चारों को कनेक्ट करने के लिए एक क्रॉस गडर होगा। तो वो चारों गडर को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए ये स्टील बार को छोड़ रखा है। ये क्रॉस गडर का काम करेंगे। यहाँ पे बीच के जो दो गडर है, उन दोनों में, दोनों साइड में स्टील बार छोड़ रखा है। और जो ये एक गडर है, इसमें देखिए एक ही साइड में स्टील बार को बाहर की तरफ में छोड़ रखा है। ये इसलिए दोस्तों, ये या तो फर्स्ट नंबर पे रहेगा ये गडर, या चौथे नंबर पे जो आउटर साइड का गडर है वो रहेगा एक स्पान पे। किसी भी स्पान पे जब इसको प्लेस किया जाएगा तो ये फर्स्ट या फोर्थ नंबर पे इसको रखा जाएगा। इसलिए इसमें एक ही साइड में स्टील को छोड़ रखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एंकर कॉर्न है स्ट्रेसिंग के लिए, यहाँ पे एंकर कॉर्न को रखा है। और आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर की साइड में भी स्टील बार को छोड़ा है, वो आपके जब स्लैब कास्ट करेंगे ऊपर इसके। देखिए दोस्तों, ये पियर है और उसके ऊपर पियर कैप है, और उसके ऊपर जो स्टील छोड़ रखा है वो पेडेस्टल के लिए है। और ऐसा कैसा सेम आगे वो पियर आपको दिख रहा है, उसके ऊपर पियर कैप है और पेडेस्टल के लिए स्टील छोड़ रखा है। तो दोस्तों, ये दोनों पियर के बीच जो स्पान है उस पर वो जो चार गडर अपन ने कास्ट किए थे, वो इसके पेडेस्टल के ऊपर बियरिंग प्लेट रख के मशीनरी की सहायता से वो चारों गडर को इसके ऊपर प्लेस किया जाएगा।